हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका माय प्रोजेक्ट एचडी पर। फ्रेंड्स, हमारे सीरीज में हम एक होटल बुकिंग सिस्टम के ऊपर एक प्रोजेक्ट बना रहे पीएचपी के फ्रेंड कोऑर्डिनेटर होते हुए। और फ्रेंड्स, हम इस सीरीज में केवल एक स्टैटिक टेम्पलेट बना रहे हैं इसकी, होटल मैनेजमेंट सिस्टम की। और अगर आप इसका एडवांस टूटल देखना चाहते हैं जिसमें हम इसकी डेटाबेस डिजाइनिंग एंड बैकएंड कोडिंग करेंगे, तो आप मेरी वेबसाइट projectworld.jee पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। वहां पर आपको फ्री में रजिस्ट्रेशन होगा जहां से आप इसके एडवांस देख सकते हैं। मैंने रजिस्ट्रेशन का इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पर आपको टेक्निकल सपोर्ट भी दिया जाएगा। अगर आप किसी प्रकार की आपको कोई इरर आती है तो आप वहाँ पर कमेंट सेक्शन में देखकर आप उसे कमेंट कर सकते हैं और मैं आपको उसका आंसर दूंगा। तो आप यहाँ पर रजिस्टर करके इसकी एडवांस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में ये एडमिन का होम बनाया था, देन ये मेन्यू हमने ऐड करे थे। अब आज हमें इन मेन्यू को लिंक करना है, तो आइए हम सबसे पहले इनके लिए एंकर टैग बनाते हैं। तो ये हमारा मेन्यू है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ एंकर टैग ए, देन href, देन यहाँ पर हम लिखते हैं इसके लिए, तो यहाँ लिखते हैं हम बेस url, देन हमारा जो एडमिन अंडरस्कोर जो वेलकम है उसके अंदर स्लैश, हमारी मेथड का नाम चेक कर लेते हैं हम क्या है, डैशबोर्ड है पेस्ट, तो इस पर रिडायरेक्ट होना है। सेकंड थिंग, हम इसे ही कॉपी करते हैं कटेक को, देन सेकंड है रूम के लिए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे रूम्स, देन इसके बाद यहाँ पर लिख देंगे हम कॉन्टैक्ट, देन इसके बाद लिखेंगे लॉग आउट, सेव करते हैं सभी इनकर टैग को भी। इसके लास्ट में यहाँ पर क्लोज कर देंगे। क्लोज, देन सेव करते हैं, देन इसका आउटपुट देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं, कंटिन्यू। तो देखिए ये हमारा इनकर टैग बन चुके हैं। जब आप माउस ओवर करेंगे तो ये इस तरह से आ रहा है। एंड अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर आपको टूल टिप शो रही होम की, रूम मैनेज, देन कॉन्टैक्ट और लॉग आउट की, लेकिन यहाँ नहीं हो रही। तो हम इन्हें आप टूल टिप देंगे, तो टूल टिप देने के लिए हम आते हैं और यहाँ पर हम एक एट्रीब्यूट यूज करेंगे टाइटल। तो मैं देता हूँ टाइटल, और यहाँ लिख देते हैं होम, देन यहाँ टाइटल देते हैं और देते हैं रूम मैनेज, देन यहाँ पर लिख देते हैं हम कॉन्टैक्ट, देन यहाँ पर हम लिख देते हैं टाइटल साइन आउट, देन यहाँ से लॉग आउट ही रखते हैं, ये रहेगा। देन रिलोड करते हैं अगर इसे हम कंटिन्यू, तो देखिए होम, रूम मैनेज, कॉन्टैक्ट और लॉग आउट का ऑप्शन आ रहा है। तो ये हमारा इस तरह से बन चुका है, देन से तो ये हमारा बन चुका है। तो सबसे पहले हम रूम मैनेज का पेज बनाते हैं। सो भी आज हम सबके पेज क्रिएट करेंगे, तो सबसे पहले मैं कॉपी करता हूँ इसे और हम चलते हैं हमारे डैशबोर्ड पे, और यहाँ पर मैं फंक्शन बनाता हूँ, लिखते हैं पब्लिक फंक्शन रूम्स, देन यहाँ पर हम करते हैं डॉलर दिस लॉड व्यू, देन एडमिन स्लैश रूम्स, देन सेव। हम हमारी डैश वाली फाइल को सेव करते हैं, तो मैं इसे सेव करता हूँ, देन ये लिख देते हैं हम रूम्स, देन सेव, देन यहाँ पर हम कर देते हैं इसे रूम्स मैनेज, और अगर हम इसे ट्राई करके देखें रिफ्रेश देन कंटिन्यू, देन क्लिक करते हैं तो ये एरर आई है। एरर इसलिए हमें यहाँ पर लगाना होगा इंडेक्स डॉट पीएचपी, तो मैं लिखेंगे स्लैश, देन मैं इसे कॉपी करते हैं इसे,
and refresh continue and click करने पर यानी हमारा index.php load ही नहीं हो पाया हमारे पेज पर, हमने डैशबोर्ड वाले पेज पर नहीं किया, हमने इस पेज पर कर लिया। तो हमने डैशबोर्ड पर हमारे मेन्यू अलग है, तो हम डैशबोर्ड पर जाकर index.php सेट करते हैं, यहाँ पर पेस्ट करते हैं जस्ट सेव, ऐसे हम करते हैं डिलीट, देन यहाँ मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए हम आ चुके हैं एडमिन रूम मैनेज पर। देन अभी हम केवल इन्हें पेज को हम क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए हम इनमें कुछ चेंजेस नहीं कर रहे हैं। हम आने वाले वीडियो में इन्हें कंप्लीट बनाएंगे तब इनमें हम प्रॉपर चेंज करेंगे। तो इसके बाद हमें एक और पेज क्रिएट करना है जो है हमारा कॉन्टेक्ट, तो हम उसको कॉपी देन चलते हैं हमारे कंट्रोलर पर, और यहाँ पर मैं फंक्शन क्या करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ पब्लिक फंक्शन कॉन्टेक्ट, देन यहाँ लिखेंगे हम डॉलर दिस लोड व्यू, देन यहाँ लिखेंगे हम एडमिन स्लैश कॉन्टेक्ट, देन हम इस फाइल को क्रिएट करते हैं। तो मैं इसे ही सेव करता हूँ, देन ये फाइल क्रिएट हो गई है। देन यहाँ पर ले देते हैं कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट देन सेव देन रिलोड, तो ये हमारा कॉन्टेक्ट लॉग इन बन चुका है। देन अब हमें एक लॉगआउट को बनाना है, तो हमें फंक्शन बना देते हैं लॉगआउट नाम से, और उसे भी केवल हम रिडायरेक्ट करेंगे, लॉगआउट का कोड हम बाद में लिखेंगे। तो हमें लिखते हैं पब्लिक फंक्शन लॉगआउट, देन यहाँ पर हम कर देते हैं रिडायरेक्ट एडमिन स्लैश पर, देन ये लिख देना इंडेक्स डॉट पी एच पी स्लैश देन सेमीकॉलन देन सेव देन क्लिक। तो देखिए हमें इंडेक्स डॉट पी एच पी हटाना होगा, इंडेक्स डॉट पी एच पी डिफाइन है, सेव देन बैक देन ऐसे हम करते हैं रिलोड और क्लिक करते हैं, तो ये यहाँ पर आ चुका है, देन ये बन चुका है। तो ये हमारा पूरा पेज बन चुका है। तो हम चलते हैं हमारा कॉन्टेक्ट वाले पेज पर, उससे पहले हम कॉन्टेक्ट वाले पेज के लिए कोड लिखते हैं। तो यहाँ मैं क्लिक करता हूँ कॉन्टेक्ट पर, तो हमें इस तरह का फॉर्म देना है। तो हम चलते हैं यहाँ पर आते हैं कॉन्टेक्ट वाला जो हमारा पेज है, ये हमारा कॉन्टेक्ट वाला पेज है। तो कॉन्टेक्ट वाला पेज नॉर्मल है, तो सबसे पहले तो हम इसमें से सारी स्टाइल हटा देते हैं, इसके बाद इसके अंदर जो हमने ड्यू क्रिएट किया है इस ड्यू को हम रिमूव करेंगे। देन यहाँ पर हम लिखते हैं एच थ्री टैग, देन लिखते हैं कॉन्टैक्ट देन सेव देन रिलोड, हमारा प्रोजेक्ट ये वाला है देन रिलोड करेंगे, तो देखिए कॉन्टैक्ट लिखा रहा है। देन इसके बाद हम टेबल क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर मैं लिखाता हूँ टेबल देन टी आर, देन इसके अंदर देंगे टी डी टी डी, इसे मैं कॉपी करता हूँ पेस्ट। कॉन्टैक्ट नंबर फील्ड हम चेक कर लेते हैं हमें क्या क्या चाहिए, तो हमें रखना है नेम ईमेल मोबाइल नंबर एड्रेस और कमेंट आना चाहिए। तो हम ये लिख देते हैं नेम एड्रेस मोबाइल नंबर ईमेल देन कमेंट, देन इसके बाद हम लगाते हैं टी आर, देन फिर टी डी एम क्रिएट करते हैं जिसमें इंफॉर्मेशन होगी, देन कॉपी देन टेस्टिंग नेम दे देना, देन यहाँ पर लिखते हैं टेस्ट एड्रेस देन लेते हैं टेस्ट नंबर टेस्ट ईमेल टेस्ट
कमेंट ऐसे सेव करते हैं, सेव करते हैं एंड सेव। तो ये इस तरह सारा है। तो हम यहाँ पर इसके एक क्लास एड करते हैं, यहाँ पर यहाँ लिखता हूँ क्लास टेबल देन डिलीट। तो ये देखिए यहाँ पर पूरी टेबल बन चुकी है। अब हम थोड़े से स्टाइल देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखते हैं क्वांट और इसमें कलर देंगे, कलर ब्लू। करते हैं क्लोज सेंटर टाइम कर सकते हैं, लिखते हैं सेंटर एंड क्लोज कॉपी। सेंटर पर रखेंगे तो यहाँ पर हम रिलोड करते हैं। तो इस तरह सोच रहा है ये इस तरह से आ रहा है। तो ये हमारी टेबल रेडी हो चुकी है। अगर आप डिस्टेंस लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर बी आर टी को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर लगा दीजिए बी आर टेस्ट सेव रिलोड। ये बी आर टी आ चुके हैं। हम इसमें से एक बी आर को रिमूव करते हैं से और इसमें पेस्ट करके सेव। तो ये बन चुका है। इसमें जैसे एंट्री आती जाएगी तो ये हमारी टेबल बड़ी होती जाएगी। तो हमारा कॉन्टेक्ट बन चुका है, देन यू होम, देन कॉन्टेक्ट का हमारा पेज, देन ये रूम्स वाले पेज पर हम आने वाली वीडियो में वर्क करेंगे। तो हमारा ये सेशन बाकी है। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम जो भी नई वीडियो अपलोड करें उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।